नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी फैक्ट शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के, और उसके सामने होगा दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश चाइना। दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे हम कि दोनों की कितनी बड़ी मिलिट्री, कितने किसके सामने टिक पाएंगे, अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, ये भी आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस और फैक्ट्स रिलेटेड जितने भी कंपैरिजन है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिलिट्री बजट के बारे में। तो यहाँ पर अमेरिका का होता है 610 अरब का मिलिट्री बजट, चीन का होता है करीबन 228 से 250 अरब डॉलर के बीच में। जी हाँ, बात कर लेते हैं मैन पावर की। तो यहाँ पर अमेरिका के पास है करीबन 12,80,000 एक्टिव पर्सनल्स, और चीन के पास है 23 लाख। रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका के पास है 8,11,000 के करीब, और चीन के पास है करीबन 80 लाख के करीब। जी हाँ, उनकी इतनी बड़ी एक्टिव पर्सनल्स हैं। जी हाँ, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर लैंड फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले थल सेना के बारे में, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं टैंक से। पहले अमेरिका के जान लीजिए, फिर हम चाइना की बात करेंगे। तो यहाँ पर अमेरिका के पास है करीबन 6,393 टैंक, और बात करें आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के, तो यहाँ पर 41,760 हैं। टोटल आर्टिलरी है करीबन 3,269, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है 950, रॉकेट आर्टिलरी है 1,197। अब बात कर लेते हैं चीन के बारे में। चीन के पास है करीबन 7,760 टैंक्स, जो काफ़ी ज़्यादा है अमेरिका से। आर्म फाइटिंग व्हीकल 6,000, जो काफ़ी कम है अमेरिका से। टोटल आर्टिलरी है यहाँ पर 9,726, और जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी होती है वो करीबन 1,710, रॉकेट आर्टिलरी है 1,770। यानी कि आर्टिलरी के मामले में यहाँ पर चाइना ज़्यादा है अमेरिका से। बात कर लेते हैं यहाँ पर अब हम एयरफोर्स के मामले में। तो एयरफोर्स के मामले में अमेरिका बहुत बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी के मामले तो बहुत ही ज़्यादा आगे है चाइना से। टोटल एयरक्राफ्ट है अमेरिका के पास करीबन 12,304 के आसपास, और चीन के पास है 4,182। और फाइटर एयरक्राफ्ट में जो, मतलब कि इनकी कैटेगरी होती है, टोटल एयरक्राफ्ट बताए थे मैंने आपको, अब बताता हूँ मैं इनकी कैटेगरी में। फाइटर एयरक्राफ्ट हैं अमेरिका के पास 457, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं 2,192, अटैक एयरक्राफ्ट है 587, और हेलीकॉप्टर है 4,889। चीन के मामले में आते हैं तो चीन के पास जैसे कि टोटल एयरक्राफ्ट है 4,182, काफ़ी कम है, एक तिहाई है अमेरिका के सामने। फाइटर एयरक्राफ्ट हैं 1,157। जी हाँ, यहाँ पर आगे निकल जाता है चीन, लेकिन इसमें आपको मैं बताऊँ कि आगे तो निकल जाता है, लेकिन जो क्वालिटी है ना, अब देखिए अमेरिका के पास है F-15 ईगल, F-22 रैप्टर, F-5 एंड टाइगर 2। चीन के पास क्या है, चेंगदू J-7। जी हाँ, सुखोई 27 एक अच्छा है। इसके अलावा SU-30 MK के हैं, वो भी ठीक ठाक है, लेकिन वो क्वांटिटी में 97 ही है बस। जी हाँ, इन्होंने भर रखे हैं शियांग J-11, जो बहुत ही घटिया क्लास का है, जिसे हमारे यहाँ पर MiG-21 बाइसन है ना, ऐसा उनके पास इस तरीके का है, 277 यही इन्होंने भर रखे हैं। बात कर लेते हैं मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के मामले में। यहाँ पर अमेरिका क्वालिटी और क्वांटिटी में मैसिव तरीके से लीड लेता है चीन पे। अमेरिका के पास, जैसे मैंने आपको बताया था 2,192 है, तो चीन के पास सिर्फ 629 ही रह जाते हैं। जी हाँ, और क्वांटिटी क्वालिटी का अंतर ये देख लिया। अब अमेरिका के पास क्या है, F-16, F-18, F-18 हॉर्नेट का F मॉडल, F-15 स्ट्राइक ईगल, F-35A, F-35B, F-35C। चीन के पास क्या है, चेंगदू J-10, शियांग J-7, चेंगदू J-20, ये ठीक ठाक है, लेकिन ये संख्या में सिर्फ 28 है। सुखोई 35S है, लेकिन ये सिर्फ 24 हैं। तो यानी कि यहाँ पर अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकता चीन। अटैक एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास 587, चीन के पास 270 ही हैं। बात कर लेते हैं अब इसमें भी क्वालिटी वाइज, इसमें क्वालिटी इसलिए आपको चेक होगी, अमेरिका के पास क्या है बॉम्बर के मामले में। जैसे मैंने बताया B-2 स्प्रिट बॉम्बर, जिसकी एक की कीमत होती है $1 अरब। जी हाँ, 7,000 करोड़ का एक अकेला है, जिसने वीडियो इसकी नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा B-2 बॉम्बर का, देख लेना। इसके अलावा B-1 लॉन्चर, B-52, हैरियर 2, B-1 लेंसर, AC-130, A-10 जैसे उनके पास बॉम्बर है, जो मतलब कि ध्वस्त कर सकते हैं सेना को पूरी की पूरी। चीन के पास क्या है, नानचैंग Q-5, शियांग H-6, जो इन्होंने खुद बनाया, उनकी क्वालिटी बिल्कुल घटिया है। बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर में, तो यहाँ भी कोई नहीं टिकता इनके पास। जैसे कि मैंने बताया था अमेरिका के पास है 4,889, यहाँ पर चीन के पास रह जाते हैं 1,170। अब सुन लो क्वालिटी, अमेरिका के पास है UH-60 ब्लैक हॉक्स, AH-64 अपाची, चिनूक, MS-60 सी हॉक रोमियो हेलीकॉप्टर, लकोटा क्लास के 72A, इसके अलावा क्रीक है इनके पास, सुपर स्टालिन है इसके पास, वैनम है इनके पास, सी रेंजर है इनके पास, सुपर कोबरा है, डॉल्फिन नाम का एक है, HH-65 डॉल्फिन, इसके अलावा
पैव हॉक्स हैं, वाइपर हैं, ब्लैक हॉक्स हैं, चिनूक 47 इसका वेरियंट अलग है, तो इनके पास मैसिव मैसिव रेंज है, सी किंग, सी ड्रैगन बहुत सारे हैं इनके पास। चीन के पास क्या है, हार्बिन J9, Mi-17, हार्बिन J20, इनके खुद के बनाए हुए यूरोकॉप्टर, कोई ढंग के क्लास नहीं, इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है अमेरिका मिनटों में। आ जाते हैं अब हम नेवी के ऊपर, एयरफोर्स में तो कहीं टिकता ही नहीं है। नेवी टोटल नेवल फोर्स अमेरिका की, पहले अमेरिका की देख ले फिर चीन की, अमेरिका के पास टोटल नेवल शिप्स कितनी है, 437, एयरक्राफ्ट कैरियर 20, डिस्ट्रॉयर 85, फ्रिगेट 0, कॉर्वेट 0, सबमरीन 71। चीन के पास क्या है, 780 शिप्स, लेकिन सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा हैं, तो लेकिन अब क्वालिटी में आ जाओ, एयरक्राफ्ट इनके पास दो हैं, ठीक है, दोनों में से भी एक अभी उस पर एक तरीके से पूरी तरीके से कमीशन नहीं हुआ, लेकिन अब क्वालिटी देख लो, अमेरिका के पास है निमिट्स क्लास के 10 एयरक्राफ्ट कैरियर, जी हाँ, और 10 के 10 न्यूक्लियर पावर्ड, अनलिमिटेड रेंज तक वो पानी में रह सकते हैं। वेस्ट क्लास के 8, जेराल्ड फोर्ड दुनिया का सबसे विध्वंसक, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, एक। और चीन के पास क्या है, रूस से उधार लिया गया एक एयरक्राफ्ट कैरियर, दूसरा जो टाइप 001 बना रहे हैं, ये कुछ 40 से 45 हज़ार टन का है, इसे ध्वस्त कर सकता है अमेरिका मिनटों में। डिस्ट्रॉयर के मामले में अमेरिका के पास क्वालिटी क्वांटिटी में बहुत आगे है, चीन के पास 36 ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो क्वालिटी है, इसमें जूमवॉल्ट क्लास का एक, यानी कि स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर दुनिया का एकमात्र, ये अमेरिका के पास है। अलगिर इनके पास अल्जिंग बुर्ग क्लास का है, बहुत ज़बरदस्त है, जबकि इनके पास टाइप 52D से ऐसे कुछ करके ही है। कॉर्वेट के मामले में यहाँ पर 0 है अमेरिका, फ्रिगेट में भी 0 है, लेकिन यहाँ पर 54 है कॉर्वेट और 42 है डिस्ट्रॉयर, माफ़ कीजिएगा, कॉर्वेट 42 है और फ्रिगेट 54 है। यहाँ पर चीन थोड़ा आगे निकल जाता है, लेकिन ये इतना बड़ा डिफरेंस पैदा नहीं करते कॉर्वेट और फ्रिगेट। सबमरीन के मामले में दोनों में काफ़ी बड़ी टक्कर होती है, लेकिन लेकिन यहाँ पर आ जाता है मामला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का, जिसमें लॉस अमेरिका के पास क्या क्या है, लॉस एंजल्स क्लास की 35 सबमरीनें बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट, वर्जीनिया क्लास की 15, ओहियो क्लास की 14 और ओहियो SSGN क्लास की 4, सी वुल्फ क्लास की 3 है। चीन के पास इनके खुद के बनाए टाइप 09, यानी कि कोई ढंग की नहीं है, बस यही है, काम चला हुआ है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी नहीं है। अमेरिका क्वालिटी टू क्वांटिटी में दोनों में काफ़ी ऊपर स्टैंड करता है, यानी कि अगर हम कंक्लूजन पर आ जाएं, दोनों में युद्ध होता है तो चीन कहीं तक नहीं टिकेगा, ना तो नेवी में, ना एयरफोर्स में, लैंड फोर्स में कुछ टक्कर दे सकता है, लेकिन इतनी बड़ी कोई लीड नहीं ले पाएगा, नहीं पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकता है, कुछ ही दिनों में युद्ध खत्म। लेकिन अगर बात करें परमाणु हथियार और मिसाइलों के मामले में, तो दोनों में यहाँ पर दोनों में टक्कर होती है मिसाइलों के मामले में, जी हाँ एक्चुअली में टक्कर होते हैं, क्योंकि अमेरिका का जो मिसाइल बिड़ा है वो इतना अच्छा नहीं है, कुछ आर या सी क्लास की इनके पास मिसाइलें हैं, लेकिन चीन के पास डोंगफेंग है, हालांकि उसकी क्वालिटी पर भी शक है, लेकिन जो डोंगफेंग 4 है वो काफ़ी अच्छी मिसाइल मानी जाती है, ये बात कहनी पड़ेगी, लेकिन जो 5 क्लास के डोंगफेंग 5 वो कोई ठीक ठाक नहीं है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल युद्ध होता है, एक तरीके से छोटा युद्ध भी होता है, जिसमें पूरी तरीके से ध्वस्त कर देगा अमेरिका चीन को, वो टिक ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों अगर मैं कुछ छोड़ दिया है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट कंपैरिजन में इसे इंक्लूड कर लूँगा, लेकिन मुझे लगता है मैंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। यहाँ पर कंपैरिजन में कंक्लूजन यही निकलता है कि यहाँ पर अमेरिका बहुत आगे है क्वांटिटी क्वालिटी सब में चीन से। वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो देखने में आपका धन्यवाद, चैनल को अगर मुझे आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सपोर्ट करते रहना ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियो के लिए। वीडियो देखने में आपका धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।